चलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस। आप सभी के सामने ये एक्सचेंज चल रही है, ये पाकिस्तान की इस वक्त नंबर वन एक्सचेंज है। यहाँ आप अपना अकाउंट ले सकते हैं, अपनी आईडी बनवा सकते हैं। आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दोस्तों के आईडी, बहुत सारे क्लाइंट्स को आईडी चाहिए होती है, लेकिन फेसबुक पर या इधर उधर से आपको सिर्फ फ्रॉड मिलता है। तो ये हम आईडी हमारे पास अब अवेलेबल है। बेशक आप इंडिया से हैं, बेशक आप पाकिस्तान से, बेशक आप बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं, आपको ये आईडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपका पेमेंट मेथड जो भी है, उसी पेमेंट मेथड के थ्रू आपको ये आईडी मिल जाएगी। डिपॉजिट विड्रॉल भी उसी मेथड के थ्रू मिल जाएगा। 24/7 आवर्स विड्रॉल डिपॉजिट अवेलेबल है। करना आपने सिर्फ इतना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आईडी का, तो आप उस पर मैसेज कर अपनी लिमिट बता के उस हिसाब से डिपॉजिट विड्रॉल करवा सकते हैं। आईडी की कोई फीस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आईडी के लिए अलग नंबर दिया हुआ है और पेड काम के लिए अलग दिया हुआ है। आईडी वाले नंबर पर आप मैनेजर से बात कर ये आईडी ले सकते हैं। बीपीएल की प्रिडिक्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं, ढाका कोमिला वर्सेस ढाका प्लेटून की वीडियो मैंने जो अपलोड की थी, आप जाकर देख सकते हैं। ढाका प्लेटून टीम दी थी और ढाका प्लेटून मैच विन भी की, अगर ना भी करती लेकिन 25 पैसे पर लग गई थी, लेकिन हमारी टीम ढाका प्लेटून विन भी कर गई। अगर आप पहली दफ़ा हैं हमारे चैनल पर, तो हमारा प्रीवियस काम, हमारी एक्यूरेसी, हमारा एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करें। बेशक आप किसी के पास भी काम करें, मैं हर दफ़ा यही बोलता हूं कि आप बेशक किसी के पास भी काम करें, उस बंदे का मार्केट में एक्सपीरियंस, उसका काम ज़रूर चेक किया करें कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। ऐसे फजूल में आप अपना पैसा किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर या किसी के देखने पर मत लगाया करें, ठीक है? देखें, अपने पैसे का सबसे बड़ा इंसान चौकीदार खुद होता है। तो ये फ्री के चक्करों में कहीं फेसबुक या टेलीग्राम पर जाकर फ्री की टिपिंग जो कर रहे होते हैं या 500-700 रुपए में आपको दे रहे होते हैं काम, तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आप ज़रूर बचें, ठीक है? उससे बेहतर है कि आप खुद थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन लिमिट में रहकर आप कोई भी काम करेंगे, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और आपको उस लिमिट से जब बाहर होते हैं तब लॉसेस होते हैं। ये आप मेरा एक्सपीरियंस समझें या जो भी बेहतर आप समझें। बीपीएल T20 इतना अच्छा भी नहीं जा रहा, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इतना बुरा भी नहीं जा रहा। क्रिकेट अच्छी ही देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखें जैसी विकेट्स बांग्लादेश में बन रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये बांग्लादेश की क्रिकेट को नुकसान देंगी। बेशक टीमें मैचेस जीतनी है स्पिनर्स के, लेकिन इस तरह की विकेट्स बनाना और मैचेस करवाना, ये बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत नुकसान देती हैं। ये आप UAE में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी देख चुके हैं, या कहीं और जाती है। क्रिकेट काफ़ी हो रही है, CSA T20 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, तो मैं पहली तो चीज़ ये बोलूँगा कि आप इसको स्किप करके CSA T20 चैलेंज का मैच कर लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। BPL का मैंने बोला था कि पहला जब हफ्ता PSL का छोड़कर BPL करें, और आपने किया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि पहला हफ्ता BPL का आप सभी के सामने बहुत ज़बरदस्त गया। उसके बाद PSL में अब जो चल रहा है आप सभी के सामने, लास्ट मैच लाहौर कलंदर वाला तकरीबन 8-9 पैसे का जैकपॉट हुआ, ठीक है? तो ज़्यादातर स्ट्रेट मैचेस जा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा इतना। खैर, कल BPL का मैच है कोमिला विक्टोरियंस और फोर्ट्यून के दरमियान, फोर्ट्यून बारिशाल के दरमियान। हमारी टीम कोमिला विक्टोरियंस अपना लास्ट मैच लूज़ किया है, ठीक है? लेकिन मोइन अली के आने से काफ़ी टीम को एज मिलेगा, और फोर्ट्यून अपने आखिरी 2-3 मैचेस विन किए हैं, और कहीं ना कहीं इस मैच में फोर्ट्यून बारिशाल की मुझे
हार नज़र आती है, कहीं ना कहीं कोमिला विक्टोरियंस चेज़ पर आएगा और चेज़ कर जाएगा, यही चांसेस नज़र आते हैं। और यही हमारा रिपोर्ट आपको नज़र आएगा कल। और लॉस कट बुक साइड 25 पैसे पर लाजमी कर लीजिएगा, बल्कि इसको कंप्लीसरी ही बना लें। टीम को जीतने पर इंतज़ार मत करें। खुदा हाफिज़।